नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रिकेट नेक्स्ट में। धर्मशाला में जब चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 16वां ओवर खत्म होने तक 122 रन पर अपना छठा विकेट गंवा दिया था तो हर किसी को उम्मीद थी कि धोनी बल्लेबाजी करने आएंगे। फैंस उस समय मायूस हो गए जब शार्दुल ठाकुर अपना बल्ला उठाकर मैदान में घुसते हुए नजर आए। धोनी 9वें नंबर पर उतरे। T20 क्रिकेट के इतिहास में यह पहला मौका था जब भाई इतना नीचे बल्लेबाजी करने आए, जिसके बाद उनके फैसले की आलोचना होने लगी। धोनी के पूर्व टीममेट्स इरफान पठान और हरभजन सिंह ने तो ये तक कह डाला कि अगर धोनी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते तो उन्हें खुद को हटाकर एक अतिरिक्त गेंदबाज खिलाना चाहिए। हालांकि मीडिया सोर्सेस में पता चला है कि धोनी क्यों इतने नीचे क्रम में बल्लेबाजी करने आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार चेन्नई सुपर किंग्स के सूत्र ने बताया है कि पूर्व कप्तान पूरे आईपीएल में अपने पैर की मांसपेशियों में चोट के साथ खेल रहे हैं और उनके पास बहुत लंबे समय तक दौड़ने का कोई विकल्प नहीं है। धोनी की पैर की मांसपेशियां आईपीएल में शुरुआत के दिनों में ही फट गई थी, लेकिन टीम के दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज डेविन कॉनवे के इंजरी के चलते आईपीएल खेलने भारत ही नहीं आए थे तो फिर मजबूरी में भाई को खुद ही जो कि है विकेट कीपरिंग करनी पड़ रही है। स्थिति ऐसी है कि धोनी को दर्द के बावजूद खेलना पड़ रहा है, दवाई लेनी पड़ रही है और कम दौड़ने की कोशिश भी करनी पड़ रही है। वहीं पर सूत्रों ने कहा है कि हम अपनी बी टीम के साथ खेल रहे हैं। जो लोग धोनी की आलोचना कर रहे हैं वे नहीं जानते कि वह इस टीम के लिए कितना त्याग कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है, लेकिन धोनी के पास कोई विकल्प नहीं है क्योंकि टीम पहले ही इंजरी के चलते काफ़ी कमज़ोर हो गई है। प्रैक्टिस के दौरान धोनी बिल्कुल भी दौड़ नहीं रहे हैं। वे नए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। और वहीं पर सीएसके के तेज गेंदबाज पति राणा और दीपक चहर इंजरी के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। एमएस धोनी भले ही आईपीएल 2024 में ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में खेल रहे हों, लेकिन उनकी मौजूदगी में टीम काफ़ी मजबूत दिखाई देती है। धोनी काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी हैं, टीम के सभी खिलाड़ियों को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी भी मैच के दौरान धोनी को फील्डिंग सेट करते हुए देखा जाता है। कप्तानी को लेकर ऋतुराज गायकवाड़ को धोनी से काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। इस सीज़न धोनी सीएसके के लिए फिनिशर की अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। भले ही धोनी एक या दो ओवर के लिए ही बल्लेबाजी करने आते हैं, लेकिन थोड़े समय में ही धोनी टीम के लिए महत्वपूर्ण रन बनाकर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। वहीं पर यह थी आज की न्यूज़ की सबको पता लग गया कि धोनी 9वें नंबर पर बैटिंग करने क्यों आ रहे हैं और उतना नीचे बल्लेबाजी करने क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जो उनकी मांसपेशियों में है वो काफ़ी खिंचाव है, वो भाग नहीं पा रहे हैं अच्छे से। अब इस बात का खुलासा हो गया है। अब कोई इस बात की आलोचना नहीं कर सकता कि धोनी इतना नीचे बल्लेबाजी क्यों करने आ रहे हैं। अब धोनी ये है, रेस्ट भी नहीं ले सकते क्योंकि डेविन कॉनवे जो है वो पहले से इंजर्ड हैं और जो दूसरा विकेट कीपर जो है वो एमएस धोनी है। अब एमएस धोनी नहीं खेलेंगे तो विकेट कीपर जो कि है वो कौन करेगा, ये भी देखने वाली बात है। पर वहीं पर जो भी आलोचक हैं, जो हरभजन सिंह हैं, इरफान पठान हैं, जो सब क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं एमएस धोनी को कि क्यों वो इतना नीचे आ रहे हैं, अब उन सबको पता चल गया होगा कि क्यों एमएस धोनी इतना नीचे आ रहे हैं, क्योंकि उनको जो है इस मांसपेशियों के खिंचाव से जो कि है काफ़ी कुछ झेलना पड़ रहा है, पर वो फिर भी सीएसके के लिए खेल रहे हैं। परंतु अभी तक के लिए इस न्यूज़ में इतना ही। अगर आपको हमारी ये न्यूज़ पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।